Good morning, students. Good morning, sir. How are you all? Fine? Fine, sir. हाँ जी, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं टेंसेस के बाद. टेंसेस के बाद का हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन भी कह सकते हैं. नरेशन होती है ना, बातचीत. हम दैनिक जीवन में इसका यूज करते हैं, सब लोग नैरेट करते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं. कभी अपनी बात कहते हैं, कभी दूसरे की बात किसी को आगे कहते हैं. जब हम किसी की बात को उसी के शब्दों में बोलते हैं जैसा उसने बोला था, हू बहू, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. वो क्या कहलाती है? डायरेक्ट नरेशन. और जब उसके शब्दों को हम अपने शब्दों में ढाल के बोलते हैं, उसके शब्दों को अपने अनुसार बोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट. उसी के शब्दों को उसी की तरह जब कहते हैं, जो कहते हो, तो क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच. और जब उसे अपने शब्दों में ढाल के बोलते हैं, अपना वाक्य बनाकर, मीनिंग वही रहे लेकिन शब्द हमारे हों, हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. तो इसको भी आओ पीपीटी के माध्यम से समझते हैं डिटेल में, साथ साथ नोट करते जाना. कुछ मिस हो जाए तो बाद में जब वीडियो भेजेंगे आपको तो वीडियो में से देख के नोट कर लेना है. बहुत सुंदर कॉपी बनानी है, साफ साफ. खूब सारा टाइम है आपके पास. लेट अस गो टू दी पीपीटी. So here it is. What is the topic? Narration. Narration को दूसरा हमने क्या बोला है? Direct, indirect. Narration दो तरह की होती है, direct speech और indirect speech. या तो हम किसी के शब्दों को indirect speech, जैसा उसने कहा है वैसा का वैसा बोलें, या उसे फिर अपने शब्दों में बोलें. ये दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. सो व्हाट आर द नरेशंस काइंड? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट स्पीच को समझे एक बार फिर से. द वे ऑफ स्पीच इन विच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर रिपीटेड. जब हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को कहते हो जैसा उसने बोला है, उसको रिपीट करते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं. डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन. म्यूट कर लें अपने को सभी, सभी अपना अपना माइक म्यूट करें. म्यूट योरसेल्फ. ओके, सो डायरेक्ट स्पीच क्या हुई? द वे ऑफ स्पीच, बोलने का वो ढंग, इन विच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, जिसमें स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को हम रिपीट करते हैं, इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच आर डायरेक्ट नरेशन. फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई एम इल, है ना, उसने कहा या वो कहता है मैं बीमार हूं. ठीक है, आतिफ ने मती को बोला कि मैं बीमार हूं. अब अगर मती कहता है कि आतिफ कह रहा है कि मैं बीमार हूं, तो ये तो कौन सा हो गया? डायरेक्ट स्पीच. ये देखो, किसी ने पीपीटी पे शरारत की है, टच नहीं करना है अपने मोबाइल की स्क्रीन को. ये देखो क्या किया, इट्स बैड.
ही सेज आई एम इल, तो ये आतिफ के शब्दों को दोहराया हुआ है मती, जो कहते हो। लेकिन जब ये अपने शब्दों में कहेगा तो ये क्या कहेगा, आतिफ बीमार है, ही इज इल। फिर ये क्या कहेगा, ही इज इल। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में बोलेगा तो कहेगा मैं बीमार हूं, और इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेगा तो क्या कहेगा, आतिफ बीमार है या वह बीमार है, ऐसे बोलेगा। तो ये डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है। इसमें ये शब्द किसके हैं, स्पीकर के हैं, एज इट इज। इसलिए जब स्पीकर के शब्दों को हम ज्यों का त्यों लिखते अथवा बोलते हैं तो उनको हम इन्वर्टेड कोमास में बंद करते हैं। ये क्या है, इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमास में बंद करते हैं। तो इन्वर्टेड कोमास के बीच के शब्दों को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच, जो कोमास में वर्ड आएंगे उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और जो कोमा से पहले है ये, इसको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। कोमा से पहले वाले शब्दों को रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, और कोमास में जो शब्द हैं उनको रिपोर्टेड स्पीच। सो फर्स्ट काइंड ऑफ नरेशन इज डायरेक्ट स्पीच। सेकंड, इनडायरेक्ट स्पीच, द वे इन विच ओनली द सब्सटेंस ऑफ स्पीकर्स स्पीच इज गिवन। जिस ढंग में, जिस बोलने के ढंग में हम स्पीकर के शब्द, स्पीकर की बात को अपने शब्दों में बोलते हैं, उसमें स्पीकर का अर्थ इंटैक्ट रहता है। जो स्पीकर कहना चाहता था हम वही बात अपने शब्दों में बोलते हैं, या बोलने वाला अपने शब्दों में बोलता है। इनडायरेक्ट स्पीच आर इनडायरेक्ट नरेशन, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। जैसे इसी बात को अब आगे हमने क्या लिखा इनडायरेक्ट में, ही सेज दैट ही इज इल, ही सेज आई एम इल डायरेक्ट स्पीच है। आई एम इल क्यों डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि ये ही के ही वर्ड है, इसी के, इसके वर्ड है ये। और ही सेज दैट ही इज इल, ये इसमें स्पीकर के वर्ड है, दूसरा व्यक्ति जिसने से सुना, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है ना, इसके दो हिस्से हैं। फर्स्ट पार्ट को हमने क्या बोला है, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। और जो कोमास के अंदर है इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, द स्पीच विच इज रिपोर्टेड, रिकॉर्डेड। रिपोर्टेड स्पीच, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिटन इन द इन्वर्टेड कोमास। तो रिपोर्टेड स्पीच की क्या पहचान हो गई, इन्वर्टेड कोमास में है जो शब्द। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमास से जो बाहर हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिटन आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमास। द टीचर सेड हु इज नेक्स्ट ऑन लिस्ट, इसमें ये क्या है, हु इज नेक्स्ट ऑन लिस्ट, रिपोर्टेड स्पीच है ये, व्हाट इज दिस, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो पहले है, द टीचर सेड कोमास से पहले, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। राइट, क्लियर है सबको। चलो पहले इसमें से पूछ लेते हैं, दीपक बताए डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अपनी वीडियो ऑफ करके बोलो, वीडियो ऑफ है। चलो अमित राजपूत बोल, बोले अमित राजपूत जी,
रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच किसे बोलेंगे? व्हाट इज ए डायरेक्ट स्पीच? नॉट गेटिंग माई वॉइस? ओके, डायरेक्ट स्पीच क्या है? स्पीकर के वर्ड्स को जब ज्यों का त्यों हम आगे बताते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है, और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी है? जब स्पीकर के शब्दों को हम अपने शब्दों में, स्पीकर की बात को अपने शब्दों में कहते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। कोमाज से बाहर जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और कोमाज के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। नेक्स्ट, अब ये रिपोर्टेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम हैं, वो क्या हैं? उनमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उस चेंजेस के नियम हम एक एक करके पहले समझेंगे किस किस तरह का चेंज करना होता है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो ध्यान से देखें। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट इनडेफिनेट जो है, प्रेजेंट इनडेफिनेट कौन सा होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हम पास्ट इनडेफिनेट में चेंज कर देंगे। पास्ट इनडेफिनेट कौन सा है? सेकेंड फॉर्म या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी जहां पर भी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की वर्ब होगी रिपोर्टेड स्पीच में, हम उसे पास्ट इनडेफिनेट की बना देंगे, सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म को डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, अब अगर सेकेंड फॉर्म आ जाए, यानी डायरेक्ट स्पीच में अगर सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इनडेफिनेट है, तो उसे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। और हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई तो नो चेंज, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसे एज इट इज रहने देंगे वैसा का वैसा। तो देखो पहला नियम क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनेट को पास्ट इनडेफिनेट में, पास्ट इनडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज। और आसान दूसरा तरीका, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म नो चेंज। हैड प्लस थर्ड फॉर्म दोनों में, रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच में भी और इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम रहेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। फिर से समझें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? इज एम आर प्लस आई एन जी, इज एम आर प्लस आई एन जी को वाज वर्ब प्लस आई एन जी में चेंज कर देंगे, आई एन जी वर्ब। और वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी को हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी में चेंज कर देंगे। वाज वर्ब किसमें चेंज हो जाएगा? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज प्लस थर्ड फॉर्म किसमें बदल जाएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म किसमें बदल जाएंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैज और हैव दोनों का हैड बन जाएगा, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा होता है? हैज बीन हैव बीन प्लस आई एन जी वाली वर्ब,
उसको हम हैड बीन प्लस आई एन जी वर्ब में चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नो चेंज। इसी तरह कैन को कुड में, कुड का कुड, कुड में कोई चेंज नहीं। मे को माइट में बदल देंगे, माइट के लिए कोई चेंज नहीं, अगर माइट है तो माइट रहने देंगे। शैल और विल दोनों का वुड बन जाएगा और वुड का नो चेंज। अगर वुड है इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में भी वुड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। शैल और शुड को नो चेंज। ठीक है, इसको और आसान बनाते हैं। ये देखो, ये टेंसेस के चेंज हैं। डायरेक्ट स्पीच के वर्ब का टेंस और इनडायरेक्ट स्पीच में बदल कर रखा जाने वाला वर्ब का टेंस। इसमें देख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसी एस का क्या बन जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाएगी, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी का क्या बन जाएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, आई एन जी। इसी तरह हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या बनेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। Has, have plus been plus verb की first form ing का, had been plus verb की first form और ing। Verb की second form, had plus verb की third form। Second form किस में बदलेगी, यानी past indefinite किस में बदल जाएगा, past perfect tense में। ये भी past indefinite है, did not plus verb की first form, ये भी किस में बदल जाएगा, past perfect में। वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, यानी पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। और इसी तरह विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी, वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। कैन और मे दोनों का कुड और माइट बन जाएगा, मस्ट वुड शुड ऑट टू डेयर माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ज्यों की त्यों प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वैसे की वैसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये टेंसेस का चेंज है। एक तो टेंसेस को हम इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। दूसरा चेंज होता है, इसको एक बार और देखो, टेंसेस के चेंज को। एज ए रूल व्हेन यू रिपोर्ट समथिंग समवन हैज सेड, यू गो बैक ए टेंस, एक टेंस पीछे चले जाते हैं। द टेंस ऑन द लेफ्ट चेंजेस टू द टेंस ऑन द राइट। जैसे प्रेजेंट इन, प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इनडेफिनेट है। शी सेड इट इज कोल्ड, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, वाज में। शी सेड इट वाज कोल्ड, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में She said I am teaching English online. तो am किस में चेंज हो जाएगा, was में। तो क्या बन गया, She said she was teaching English online. तो ये she क्यों आया, इसकी हम अभी आगे बात करेंगे, दूसरा चेंज। लेकिन अभी टेंस का चेंज देखो, is teaching किस में बदल गया, was teaching में। फिर she said I have been on the web since 1999. तो have been को हमने had been में चेंज कर दिया। Has been, have been किस में चेंज हो गए, had been में। Had been। Present perfect continuous, I have been teaching को had been teaching में चेंज कर दिया। फिर I taught, simple past, past indefinite second form को had taught, had plus third form में चेंज कर दिया। इसी तरह was teaching को past continuous को past perfect continuous में had been teaching में चेंज कर दिया। past perfect क्या था, had already started, ये past perfect है, इसको यही रहने दिया, had already started, no change। past perfect का past perfect ही रहेगा। इसी तरह past perfect continuous भी past perfect continuous ही रहेगा। had already been teaching
और यहाँ भी had already been teaching as it is. तो ये tenses का change अच्छे से देख लेना है. तीन slides हैं इसके लिए, ठीक है. इन तीनों में हमने क्या समझा, इसमें भी और इसमें भी, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए टेंसेस में कैसे चेंजेस आएंगे, कौन सा टेंस किस में बदलेगा, कौन सी वर्ब किस वर्ब में चेंज हो जाएगी, ये हमने देखा है. तो मुझे लगता है आज टेंसेस के ही चेंज को तुम ठीक से समझ लो. कल से हम दूसरे चेंजेस क्या क्या आएंगे उन पे बात करेंगे, राइट. गुंजन कुछ पूछ रही है. इज गुंजन आस्किंग समथिंग? वेयर इज गुंजन? शी रेज द हैंड. अभी हाथ उठाया था उसने. ठीक है, आज इस वीडियो को देख के ये टेंसेस के चेंजेस अच्छे से देख लेना है, कौन सा टेंस किस में बदलेगा. ठीक है, दो चीजें तुमने सीखनी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस क्या हैं, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इसको समझना है. दूसरी बात क्या समझनी है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हुए टेंसेस में किस तरह के चेंजेस आएंगे, टेंसेस कैसे बदलेंगे, कौन सी वर्ब किस वर्ब में बदल जाएगी, ये चीज आपने अच्छे से आज देख लेनी है. पूछना है तो बोलो. सर जी, वो दूसरा शी कैसे आया था? हाँ जी बोलो. शी कैसे आया था? फिर से बोलो. दो बार शी आया था जी उसमें. जरा पास आके बोलो बेटे. सर जी, दो बार शी आया था उसमें. दो बार शी आया था. हाँ जी हाँ. वो कल चेंजेस कैसे होंगे वो बताएंगे कैसे, है ना. वो टेंसेस के अलावा चेंजेस जो होते हैं, प्रोनाउन कैसे बदलेंगी, ठीक है, और टाइम एडवर्बियल्स कैसे बदलेंगी, कंजंक्शंस कौन से लगेंगे, ये हम कल के बाद सीखेंगे ना धीरे धीरे. आज टेंसेस को ही सीखना है आपने, कौन सा टेंस किस में बदलेगा, और रिपोर्टिंग वर्ब की और रिपोर्टेड स्पीच की पहचान क्या है. ठीक है, ये चीजें आपने आज देखनी है. बस आज इतना ही करते हैं.